हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हर रोजगार के अवसर को मुहैया कराने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, उद्योग कल कारखाने को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तत्पर है, वो चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो। अशोक पांडे जी, मेरा सवाल अभी बरकरार है सर, 5 वजह गिनवाइए सर, जो आप निवेशकों को बोल रहे हैं कि निवेश करिए, वो 5 वजह कौन सी है? अब सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ कि भयमुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश, भयमुक्त समाज, दंगा रहित प्रदेश, कानून में कई कानूनी उलझनों से उनको अड़चनों से दूर करना, उनके रोजगार के अवसर को जो है उसमें सहायता दे करके उनके रोजगार के अवसर को बढ़ाना। सर किसके रोजगार को बढ़ा रहे हैं? हमारी जो सरकार की जी, हम उद्योगपतियों के लिए उनको निमंत्रण देते हैं सर, उद्योगपतियों को रोजगार की जरूरत थोड़ी ना है। मैंने सर फिर वही सवाल, नहीं उनको रोजगार की, आप कानून व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ रहे ना, मुहैया कराएंगे आप कानून व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ रहे, निवेशक निवेश क्यों करता है आप ये भी बता दीजिए मुझे जी। पांडे जी, निवेशक निवेश क्यों करता है राज्य में, किसी भी राज्य में? निवेश इसलिए करता है कि वहां की जो इकोनॉमी है वहां पर अच्छी तरीके से चल रही हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो और भयमुक्त समाज हो, वहां पर उनको अच्छी तरीके से उनका जो है। सर मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता एनकाउंटर और भयमुक्त समाज से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल निकल रहे हैं। आप बताइए ना फिर भयमुक्त समाज के इधर भी बताइए, बहुत कुछ होता है साहब, अगर निवेशक निवेश करेगा तो क्यों निवेश करेगा, आप मुझे वो तो समझाइए। नहीं निवेश इसलिए करेगा, देखिए व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं भी वो अपना कल कारखाना खोलता है तो भू माफिया, तमाम प्रकार के माफिया आकर के और जो है परेशान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि अशोक पांडे जी करिए, आपको हर तरह से सर भू माफिया, खनन माफिया, ये तमाम माफिया, कानून व्यवस्था, इससे आगे भी तो कुछ लॉजिक होगा सर कि निवेशक निवेश करेगा तो क्यों भाई करेगा? लॉजिक ही लॉजिक है, लेकिन सबसे बड़ी चावला जी, सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारे जो उद्योग बंधु हैं, जो हमारे उद्योग कल कारखाने चलाने वाले भाई हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कानून व्यवस्था अगर सही है तो उनका व्यापार, उनका कल कारखाना चलता है, अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है तो उनका, यानी कानून व्यवस्था निवेश की गारंटी है ना आपकी नजर में? बिजली, पानी, सड़क कोई भी मायने नहीं रखता, सिर्फ कानून व्यवस्था ठीक करिए और निवेश आ जाएगा, है ना सर? नहीं नहीं मैं आपको जी, इस समय प्राथमिकता यही है। नहीं नहीं तो फिर इतना तामझाम काय को किया, सभी निवेशकों को आप फोन करके बता देते कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो गई, आप आ जाइए। सड़क आपने इतना तामझाम क्यों किया, फिर हो रही है, आप बताते रहे निवेशकों को कि भाई यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो गई, देखिए 1000 एनकाउंटर कर दिया योगी सरकार ने, आ जाइए सब कुछ ठीक हो गया। नहीं 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 हम ये सारी पुरानी जो बीमारी है वो एकदम से खत्म नहीं होगी, लेकिन हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं, हम विकास के रास्ते पर हैं। सर मैं आपकी नियत पर सवाल नहीं उठा रहा, अशोक पांडे जी आप मुझे नहीं बता पा रहे कि निवेशक निवेश क्यों करे, आप में से मैंने सीधा सवाल पूछा। निवेशक जो है निवेश इसलिए करेगा, हम उनको इसलिए निमंत्रण देते हैं कि जो यहाँ का माहौल है वो उनके अनुकूल है, हर तरह से सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार है। ये सरकार पारदर्शी सरकार है, ये सरकार युवाओं को रोजगार अवसर मुहैया कराने के लिए, अब्दुल हफीज गानी साहब सहायता करने के लिए तैयार है। अब्दुल हफीज गानी साहब, अशोक पांडे जी जो बातें कह रहे हैं वो आप सुन रहे होंगे, खैर मैं पार्टी के स्तर पर नहीं, मैं विकास के मुद्दे पर आता हूं। यूपी के लिहाज से आपको लगता है कि कुछ चमत्कार होने की उम्मीद है, जो सपना दिखाया जा रहा है, जो रंगीन तस्वीरें दिखाई जा रही हैं? देखिए तिलक जी, आज का दिन और कल का दिन मैं समझता हूं कि यूपी में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 6000 के करीब इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश से, बाहर से और विदेशों से आए हुए हैं। आज हमें विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, आज हमें उन्हें ये संदेश देने की कोशिश करनी है, बल्कि हमें ये कोशिश करनी नहीं बल्कि ये दिखाना ही है कि चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी निष्ठा के साथ हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करें। तो ये मैसेज सत्ता की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मैसेज जाएगा तभी इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। और पिछले 5 साल के अंदर जो हमने विकास किया, अब ये सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने थोड़ा सा माहौल और इम्प्रूव किया है, तो दोनों सरकारों का जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश के अंदर
वो इन्वेस्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो, एक राजनीतिक दल के तौर पर, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस समिट का स्वागत किया है और इस समिट के लिए इस सरकार को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर मेरी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो 6000 इन्वेस्टर्स आज लखनऊ के अंदर हैं, आज हम उन्हें एक पॉजिटिव वेव वाला जो है कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर दें, माहौल दें, ताकि उनको लगे कि वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है और उत्तर प्रदेश एक बहुत ज्यादा प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है गांधी साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी के तमाम नेता यही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। हम सुबह से नॉनस्टॉप इस चर्चा को आगे बढ़ाए हुए हैं और सपा के तमाम नेता जो हैं इस समिट को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए गांधी साहब, क्योंकि इसमें मैं ब्रेक ले रहा हूं, चलते चलते मुझे एक बात ये समझाइए कि जो माहौल बनाने का जिक्र आप कर रहे हैं, ये माहौल बनाने का प्रयास अखिलेश यादव ने भी किया था, कुछ तो खास होगा ना योगी के इस समिट में कि आप लोग यूपी से बाहर निकलकर मुंबई तक पहुंच गए और व्यापारियों को यूपी नहीं ला पाए, लेकिन लखनऊ में रहते हुए योगी एंड मोदी दोनों जो हैं वो तमाम देश के व्यापारियों को यूपी में ले आए, कुछ तो खास होगा ना सर? नहीं, देखिए तिलक जी, ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ने भी प्रयास किए थे। अगर इन्वेस्टर्स मीट का कंसेप्ट अगर देखेंगे तो माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ था, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स आए थे और उस समय बहुत माहौल बना था। उसके बाद अखिलेश जी ने भी प्रयास किए, हम लोग मुंबई गए, आगरा में हमने इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव किए और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की। तो ये सतत प्रक्रिया है, हमने प्रयास किए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। नहीं सर, मैं 2003 का जिक्र नहीं कर रहा सर, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यूपी डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए थे, मैं अभी उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा। अमर सिंह जी को आपने अध्यक्ष बनाया था उसका, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा था, मैं सिर्फ अखिलेश यादव का इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि वहां पर जो प्रयास किए गए थे वो ईमानदार प्रयास के तौर पर उन्हें देखा गया था। लेकिन आप लोग मुंबई गए और व्यापारियों को यूपी नहीं ला पाए, मैंने इसलिए ये जिक्र किया कि अखिलेश यादव के इतर योगी जी व्यापारियों को यूपी ले आए, लखनऊ ले आए, तो आपकी नजर में ये बड़ा काम नहीं है? नहीं, देखिए हम इस काम की सराहना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं किए गए, ये सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, इसके बाद भी चलेगी, इसके बाद भी बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है तो उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम सिर्फ निंदा करना और क्रिटिसाइज करना नहीं है। हम समझते हैं कि भविष्य की राजनीति यही है कि अगर कुछ अच्छा काम हो तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी सराहना की है, उन्होंने स्वागत किया है और बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दी है इसको। आप लोग गए नहीं सर? नौता तो मिला था, आप लोग गए नहीं? देखिए, जाना ना मुलायम सिंह यादव जी पहुंचे, ना अखिलेश यादव जी पहुंचे, और जब नौता नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि देख लीजिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाते तक नहीं है। देखिए तिलक जी, देखिए मैं समझता हूँ कि जाने से महत्वपूर्ण इंटेंशन है, जाने से महत्वपूर्ण इच्छा है सर, एक संदेश जाता ना, आप लोग विकास की भागीदारी का संदेश देते कि देखिए साहब विकास में कोई राजनीति नहीं। देखिए बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं, और हम इसको आज जो अगर आप मेरा रिएक्शन देख रहे हैं तो बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। नहीं सर, आपके रिएक्शन की तो हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके सहयोगी हैं जो इस रिएक्शन है इस, नहीं नहीं सर, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हैं, मैं आप कहें तो मैं नाम भी ले सकता हूं, आपकी पार्टी के कई प्रवक्ता जो हैं चैनल पर बैठकर इस सोच को सवाल के घेरे में ला चुके हैं। देखिए तिलक जी, लोकतंत्र है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, विभिन्न मत होंगे, लेकिन पार्टी का मत यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई सरकार प्रयास करती है तो उन प्रयासों की हम सराहना करेंगे, उन प्रयासों को सपोर्ट करेंगे और उन स्कीम्स की सराहना करेंगे, क्योंकि कल जाके हो सकता है हमारी सरकार आए तो हम भी चाहेंगे कि जो विपक्ष है वो सकारात्मक भूमिका निभाए। ठीक सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में निवेश के लिए अब ये माहौल बनाने के बाद अब चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उसका जिक्र भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हासिल हो रहे हैं। मोदी प्लस योगी प्लस व्यापार इज इक्वल टू क्या, सवाल अब यही, आखिरकार यूपी को लेकर जिस तर्ज पर सपने दिखाए जा रहे हैं वो सपने साकार कैसे होंगे? आपको बता दें कि मुद्दे की बात में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए लगातार, अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी की ओर से अब्दुल हफीज गांधी साहब जुड़े हुए हैं, सपा की ओर से बीएस दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की ओर से साथ साथ एके मिश्रा जुड़े हुए हैं, बिजनेस एक्सपर्ट है हमारे साथ। इन तभी मेहमानों की ओर हम रुख करें, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर जिक्र मोदी साहब का भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बात एक और नजरिए से समझाने की कोशिश की है, वो नजरिया है
डिफेंस कॉरिडोर का, या एक सोच, एक नजरिया और इसके जरिए विकास की नींव को मजबूत करने की बात। आपको बता दें जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन फेसबुक पर भी जो कमेंट आ रहे हैं उसका जिक्र भी कर लेते हैं। निकिता प्रजापति लिखती हैं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही किया जा रहा है ये सब कुछ, हमारी जॉब की गारंटी कौन देगा। श्रवण तिवारी लिखते हैं कि समिट में सिर्फ सपने दिखाएगी सरकार डबल इंजन की, या फिर वाकई में 22 करोड़ की जनता के सपने होंगे साकार। दुग्रेश मिश्रा लिख रहे हैं कि 60% से अधिक जवानों को रोजगार आखिरकार कब मिलेगा। ईशिका तिवारी लिख रही है इनके खर्च का हिसाब कौन देगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रतिक्रिया आ रही है कि सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। अशोक पांडे साहब, सबसे पहले एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे, ये रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं साहब। देखिए, रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रोजगार की गारंटी तो होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए बिल्कुल तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के नौजवान को उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके हाथों सर, में कौशल विकास के माध्यम से। अभी चुनाव नहीं हो रहे, चुनावी भाषण नहीं, आप ये समझाइए करेंगे कैसे। नहीं, अशोक पांडे जी करेंगे कैसे ये बताइए ना, और कब तक करेंगे। यही एक तरीका है। नहीं, इस निवेश के जरिए कितना रोजगार मिलेगा, बढ़ावा देने के माध्यम से कुछ सर टारगेट फिक्स किया होगा ना आपने। इस निवेश के जरिए कितना 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 रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर। अशोक पांडे जी, कितना रोजगार मिलेगा, कुछ तो इन्वेस्टमेंट से आंकड़ा लगाया होगा ना आप लोगों ने। जी जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कौशल विकास मिशन के तहत सरकार गठन के प्रथम वर्ष में 3,11,000 युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 20,00,000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है, रोजगार प्रदान करने में जो मदद करेगा। तो अभी सर जो आप लिख के लाए हैं उसमें कुल आंकड़ा भी तो होगा ना सर। चार पांडे जी, जो आप सर आप जो लिख के लाए हैं उसमें कुछ आंकड़ा भी तो दिया होगा ना सरकार ने। मैं और टोटल आंकड़ा पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर। 4,772 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है अभी तक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 22 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और तमाम प्रकार के लगभग पिछले इस साल से लेकर के 5 सालों के अंदर लगभग उत्तर प्रदेश में 20,00,000 की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं पांडे जी। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे पूछा निवेश क्यों। ये दुर्भाग्य है, अभी तक उत्तर प्रदेश में यही सब बातें होती आई, हुआ कुछ नहीं सर। आप बता दीजिए फिर पांडे जी, आप सौभाग्य करिए, देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो राजनीतिक नजरिए से इतना महत्व रखता है और देश के कई प्रधानमंत्री इस राज्य ने दिए, औद्योगिक स्तर पर इसका क्या हाल है, इसका पैमाना देने को लिए आप तैयार नहीं है। आदरणीय चावला जी, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो ये है कि 5 सालों के अंदर लगभग 20,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसीलिए विकास के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था में हम लोग अमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, पीएस दुबे जी, उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं लग रहा है। ठीक है पांडे जी, मैं समझ गया सर, समझ गया। रुकिए पांडे जी एक सेकंड, देखिए परेशानी ये है, ये चुनावी भाषण नहीं है सर। मैं चुनावी भाषण का जिक्र नहीं कर रहा, मैं गूगल ज्ञान का जिक्र कर रहा हूँ। सच्चाई के धराता पे सर, अभी खोलिए सर, अभी फिर आएंगे आपके पास। परेशानी ये है कि हमारे मित्र की पार्टी जुमलेबाजी से पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं और जुमलेबाज भी इनसे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। समस्या ये हो गया है कि यह इस बात को पचाने के लिए तैयार नहीं है कि कब तक ये जुमले के बल पे ये देश को गुमराह करते आ रहे हैं, करते आएंगे। पांडे जी, मुझे इनके पूरे अभी जो एक तरह से चुनावी भाषण दे रहे थे, लगता है था कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके भाषण टोटली एक तरह से मिथ्या था, मिथ्या बड़ी, पता नहीं कहां से ये डाटा लेके आ गए कौशल विकास में इतना। अरे आप फेसबुक पे कमेंट जो इसी चैनल के फेसबुक पे कमेंट पे बच्चे दे रहे हैं, एक निशिका है और एक समर है, दो ऐसे कमेंट पढ़ा जिस निशिका बोल रही है कि जॉब की गारंटी का क्या होगा, समर कह रहा है कि भी जुमलेबाज है। आज नौजवान जो पढ़े लिखे है, जो अनसर्टनिटी है,
जिनके जॉब या तो छूट चुके हैं या मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनके सामने एक ही समस्या है कि लाइफ को सरवाइव कैसे करें। आज वो भी हतोत्साहित हैं और वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जुमलेबाजी है। आपके जुमलेबाजी से वो नौजवान परेशान हो गया है जिसको आपने 4 साल पहले 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही। बहुत हत्यास्पद है कि 1 करोड़ की बात आप ये करें। शुरुआती जो हम करते हैं वो करते हैं, दो दिखाते हैं। अरे क्या दिखा दिया आपने? आज तक एक कहावत कही जाती थी गांव में, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत अच्छी कहावत कही, मैं उसके दूसरी कहावत एक बताना चाहता हूं। कहावत क्या थी कि कभी अगर भीड़ जुटाना है तो कोई सेलिब्रिटी को बुला लीजिए, कोई अभिनेता को बुला लीजिए, ऑटोमेटिक भीड़ जुट जाएगा, गांव के लोग शहर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आज वैसे ही है, अगर नौजवानों में थोड़ी सी एनर्जाइज करनी है, थोड़े से माहौल को बनाना है, थोड़े से जुमलेबाजी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना है, भीड़ इकट्ठी की क्या दुबई जी आप लोगों ने? इंडस्ट्री से जो 4-5 घराने हैं जो पूरे वर्ल्ड में भी घूमते आ रहे हैं, इंडिया के हर राज्य में घूमते आ रहे हैं, इनको बुला लीजिए, इनसे घोषणा करा दीजिए दुबे जी गरीबों के विकास के लिए। दुबे जी समस्या ये है कि गरीबों के विकास के लिए नौजवान ठीक है, अभी 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 ठीक है दुबे जी, अदानी और टाटा जैसे आपकी सरकार भी इनके इनके घूमती थी साहब, अपना दौर भी याद करिए ना। और आप जो याद दौर याद दिला रहे हैं तो यानी हम ये मान ले, अभी ब्रेकिंग चलवा देता हूं, दुबे जी कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, इस समिट का विरोध करते हैं, आप बोल दीजिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए इन्वेस्टर समिट का जो चुनावी माहौल दोबारा तैयार कर रहे हैं, मैं उसका विरोध क्या दुबे जी? आज इनके पास इतना भी सरकार के पास है, क्या करना चाहिए था है कि ये नहीं कह सकती कि मेरे में वो काबू है कि मैंने इतने नौजवान को नौकरी दिया, इतने गरीबों को मैंने अस्तर को ऊंचा उठाया, ये किसानों को मैंने ये मदद नहीं, क्या करना चाहिए था योगी सरकार को? 5 साल के बाद मैं ये करूंगा। दुबे जी ये कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, बुला रहे उनसे घोषणा करवा रहे हैं, दुबे जी कह रहे हैं इसका विरोध करते हैं, हो गया दुबे जी अभी तक घोषणा हुई है। दुबे जी आप विरोध कर रहे हैं ना इसका, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है यही ना, हम मान लेना विरोध कर रहे हैं आप लोग। इन्वेस्टमेंट का कभी पार्टी ने हमारी पार्टी ने विरोध नहीं किया, हमारे सर आप लोग आप तो कह रहे हैं विकास की जननी है, विकास में चलने वाले हम लोग, तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं विकास के नाम पे जो जुमलबाजी हो रही है उसका विरोधी है हम, ठीक है हमेशा विरोधी। राहुल गांधी साहब जो मखौल उड़ा रहे हैं आपके पुराने साथी, तो आप लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते, आपके पुराने साथी आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखते। साथी भी विभिन्न मत रख सकते हैं और उसके बाद भी दोस्ती हो सकती है, तो मैं समझ नहीं रहा कि आपत्ति किस बात की, उनको अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि किसी को भी हक है कि वो अपना मत स्पष्ट करे और चुनौतियों के बारे में भी बात करे। देखिए सकारात्मकता एक चीज है लेकिन सकारात्मकता के साथ साथ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ये बताता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं वो बहुत ही कम फ्रेक्टिफाई होते हैं, जैसे अखिलेश सरकार में होता था, लेकर 20% के बीच में, जैसे अखिलेश सरकार में हुआ। सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं गुजरात सरकार की भी बात कर रहा हूँ, 22,000 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। इसका उदाहरण तो एमपी में आपको अच्छा मिल जाएगा साहब, इसका अच्छा उदाहरण गांधी जी मध्य प्रदेश में मिल जाएगा आपको। नहीं मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, 8% से लेकर 20% ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेक्टिफाई होते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी फेल हो जाते हैं। मैं आज इसकी एनालिसिस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं, हम बहुत अच्छी बात करना चाहते हैं, एक अच्छी पॉलिटिक्स से शुरुआत करना चाहते हैं चावला जी, बाद में मौके आएंगे हम भी इसका एनालिसिस करेंगे। नहीं दुबे जी एनालिसिस कर रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं कि जुमले हो रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है कि निवेशकों को डरा रहे हैं वो। मैं अपना मन नहीं, आप चावला जी हमारे बात को स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने सर जिस नजरिए से बोला मैं उसी नजरिए विकास के जननी है, हम तो चाहेंगे इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस तरह का इवेंट आप, मुझे पांडे जी के डिबेट पे आपत्ति था, ये कह रहे कि हमने जो कहा वो किया है, कौन सा क्या कर दिया अभी तक आपने? ठीक है एके मिश्रा जी क्या सिर्फ इस तरह के आयोजनों से बदलाव की बयार नहीं बहती, हम ये मान ले, या कुछ फायदा होता है? इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग होती है, यही फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी सरकार रही हो, सारी सरकारों ने हमेशा ही जो है इस तरह के वो आयोजन और रैली करते हैं, और उस जमाने में कभी जब कभी कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा की थी, जो भी टेक्नोलॉजी थी, जैसा भी था, उन्होंने अपने लेवल पे भी बेस्ट आयोजन और प्रयास किया है। ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि ये आयोजन केवल एक आयोजन है, ये भी पूरे के पूरे प्रकरण का, जैसे अगर आज ये कोई योजना लॉन्च हुई 2 दिन में जो होने वाला है, 5 साल के बाद इसका पूरा रिजल्ट आएगा या 10 साल के बाद, तो आज से लेकर 10 साल तक का जो टाइम गैप है उसमें ये फर्स्ट स्टेप है, ये शुरुआत का स्टेप है। यानी हम ये मान लेना कि असली शुरुआत जो है वो कल के बाद से होगी? नहीं, वो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि प्लानिंग लेवल पे अगर आप देखेंगे और
जिसको आप इंट्रोडक्शन बोले या लॉन्चिंग बोले वो अच्छी है, आगाज काफी बुलंद है। एग्जीक्यूशन, जब आप किसी भी चीज को लेके एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो 101% उसमें डेविएशन आता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत सारे अनसीन जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उन डेविएशंस को और अनसीन प्रॉब्लम्स को ये गवर्नमेंट आगे कैसे रिजॉल्व करेगी ये देखने वाली बात है। अगर उसको इन्होंने मैनेज कर लिया, जो अनसीन प्रॉब्लम्स या ऑल ऑफ सडन जो प्रॉब्लम आएगी डिलीवरी में, उसी के कारण इनकी इफिशियंसी, पूरे प्लानिंग की इफिशियंसी वगैरह और डिलीवरी रिजल्ट क्या होगा ये चीज डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस सरकार ने भी बहुत अच्छा जो है डिलीवरी मैकेनिज्म और यू कैन से कि जो कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट होता है कि ऑल ऑफ सडन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, मैं तो डिटेल देख रहा था, इन्होंने मैकेनिज्म बहुत अच्छा बनाया है। कितने इफेक्टिव वे में ये इसको यूटिलाइज करते हैं कमिंग 3, 4, 5, 10 ईयर्स तक, इसी चीज पे ये रिजल्ट डिपेंड करेगा कि कितना ग्रोथ हुआ। बिल्कुल पांडे जी, जी समझे सर, कानून व्यवस्था से भी हटकर बहुत कुछ होता है। जी जी जी, मैं आदरणीय दुबे जी हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि ये दुबलेबाजी का भाषण दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखती है। UPA 1 UPA 2 की गवर्नमेंट ने प्रतिदिन 2 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम किया था, आज एनडीए की गवर्नमेंट 22 किलोमीटर रोड सड़क बना रही है। चलिए यूपी में कितनी बनाई सड़कें आपने बताइए, जो चलिए योगी सरकार के बाद 11 महीने का हिसाब दीजिए, 11 महीने का हिसाब दीजिए, आप सड़क पर आ गए, आप सड़कों पर हिसाब दे दीजिए। जो है घुस जाता था, आज 3 करोड़ गरीब माताओं को उनको गैस चूल्हा फ्री कनेक्शन दिया गया है। ये जुमलेबाजी का काम है, ये जुमलेबाजी का काम नहीं है। आज हमारे जो माताएं बहने हैं जो वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको 6,500 रूपए का भरण पोषण दिया जा रहा है। जुमलेबाजी नहीं है, 1 rank 1 pension के बारे में है। आज हमारे देश के वीर नौजवानों को 1 rank 1 pension देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। ये जुमलेबाजी नहीं है सर, आप जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते। हम आदरणीय दुबे जी से यही आग्रह करते हैं कि इसी जुमलेबाजी की वजह से आज पूरा देश बर्बाद हो गया। जहां मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र है, जहां पर आदिवासी महिलाएं 15 किलोमीटर पानी लेने जाती थी, उनको प्रधानमंत्री नहीं पता था, उनको सड़क का पता नहीं था, ये कांग्रेस की देन थी, ये कांग्रेस हुकूमत के शासन की देन थी। आराम से सर, इसलिए आपको लेकर आए ना, पूरे देश के अंदर जनता इसलिए आपको लेकर आई है ना, कब तक इनकी पीठ के पीछे छिपे रहेंगे आप लोग? 4 साल हो गए साहब, ये जुमलेबाजी नहीं है। एक सेकंड पांडे जी, आप बताइए कितनी विश्वास नहीं रखती है योगी सरकार के वक्त 11 महीनों में कितनी सड़कें बनी? मैं निवेश की गारंटी लेती है सड़क, बताइए कितना हिसाब है आपके पास, कितनी सड़कें बनाई आपने, कितने किलोमीटर सड़क बनाई? हमारे हमारे पूरे देश के अंदर 22 किलोमीटर रोड सड़कें बन रही है। UPA 1 UPA 2 में सिर्फ 2 किलोमीटर रोड सड़कें बनती थी, आज 22 किलोमीटर जो है सड़क बनाई जा रही है। गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन चूल्हा दिया जा रहा है। ठीक, 80 करोड़ पांडे जी, लोगों को बैंक, पांडे जी आप ये भी बता दीजिए कितने सेक्टर में निवेश करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की? पांडे जी, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पांडे जी संकल्पित है। पांडे जी आप ये भी बताइए कितने सेक्टर में निवेश करवा रहे हैं? हम रोजगार के हर अवसर, सर सेक्टर बताइए ना, पांडे जी तभी कह रहा हूँ सर, गूगल देखिए दोबारा से गूगल देखिए, आप दोबारा से गूगल देखिए, दुबे जी अपनी बात रखिए। पांडे जी, पांडे जी से मुझे एक छोटा सा सवाल है। पांडे जी आप खाली बोलते रहेंगे तो श्रोता थोड़ा बोर हो जाएंगे आपके बोलने से, आप वैसे नारा दे रहे, वैसे भाषण दे रहे जो 4 साल से सुनते आ रहे, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, धीरज रखिए, कुछ हम भी श्रोता में ही आते हैं, विपक्षी पार्टी है, थोड़ी सवाल का एक दो जवाब दे दीजिए कि जो दो फेसबुक पे इसी चैनल पे अभी इन्होंने पढ़ा है, दो फेसबुक पे आई थी जवाब और कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट आया था। एक तो निकिता नाम की निकिता ने दिया था, निकिता ने कहा था जॉब के, वो जॉब आप कहना क्या चाह रहे हैं दुबे जी? मैं कहना चाहता हूँ कि जो दो और एक जुमलेबाजी के बारे में दो ऐसा क्वेश्चन आया था, इन्वेस्टमेंट समिट एक अलग समिट है, मैं भी मानता हूँ कि एग्जीक्यूशन होता है, फॉर्मेशन होता है, डिलीवरी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हर सरकारें करती आ रही है और आगे भी ये जो भी गवर्नमेंट होगी वो करेगी, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, हर आदमी चाहेगा कि यूपी हमेशा उत्तर। आप कहना क्या चाह रहे हैं दुबे जी, जल्दी आइए, पॉइंट पे आइए प्लीज। क्या दुनिया में सबसे अव्वल राज्य के रूप में और अच्छा सुशोभित करें, इसमें कोई दो राय
सवाल ये है, जो नौजवानों के मन में, बेरोजगारों के मन, जो बेरोजगार है, किसान है, गरीब है, जनता है, जो संदेह है और जुमलेबाजी के खिलाफ एक संदेह है, लाइफ सर्टनिटी के खिलाफ एक संदेह है, उसको आप कैसे संतुष्ट करेंगे? मैं पांडे जी सिर्फ ये सवाल है, 60 साल तक आपने किया ना, इसका जवाब इनसे ले लें। 60 साल आपने किया ना सर, दुबे जी सर, आप पांच आदरणीय दुबे जी सर, 60 साल का भी हिसाब दे दीजिए ना। 60 साल का तो मांगे, ऐसे तो रायबरेली मॉडल बन जाना चाहिए था, ऐसे तो अमेठी मॉडल बन जाना चाहिए था, जिस गुजरात मॉडल का जिक्र करके अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो आप भी मॉडल बन कर लो सर। रायबरेली का इशू बदल दो, मैं कर लूंगा सर। क्यों यूपी का, यूपी रायबरेली यूपी से बाहर है, अगर निवेश होगा तो रायबरेली में विकास नहीं होगा, अमेठी में विकास नहीं होगा दुबे जी। 60 सालों में क्या नहीं मिला आप ये बता दो दुबे जी, अमेठी में विकास नहीं होगा। 11 साल में कंपैरिजन कर लो सर, अभी भी परसेंटेज हमारी ज्यादा होगी सर। आप मुझे सर, मैंने आपसे पूछा कि यूपी में विकास अगर निवेश होगा, जब ये 5 साल का थे तब हम स्थिति पर नहीं थे, आज स्थिति है कि परसेंटेज में इससे ज्यादा है विकास का, और हर पैमाने पर हम दिखा सकते हैं। आप कभी भी किसी भी मंच में हमसे बात करके सर, सर मैंने आपसे ये पूछा और हमसे देख लो 60 साल में क्या क्या नहीं किया हमने दुबे जी, आप दोनों में कंपैरिजन करके देख लो दुबे जी। सर मैंने आपसे ये पूछा कि अगर निवेश होगा तो अमेठी में भी तो विकास होगा, रायबरेली में तो विकास होगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? विकास जो विकास हुआ है देश में वो कांग्रेस शासित और कांग्रेस केंद्र शासित राज्य मैनचेस्टर ऑफ टाइम में ही हुआ, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, 11 सालों में क्या मैन्युफैक्चर ऑफ द ईस्ट, 11 साल में भाजपा की सरकार रही, क्या ये मालूम है आपको? कहां कहते थे इसको? कानपुर जैसे औद्योगिक शहर थे। मिश्रा जी मैं गलत हूँ? नहीं, और वहाँ क्या हाल हुआ? सही है, आप जब मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं दोनों गवर्नमेंट का कंपैरिजन और इन सब नहीं, मैं सवाल का नहीं है। नहीं, दुबे जी मेरी बात सुनिए, सवाल कंपैरिजन का नहीं है, किसी कंपैरिजन का दुबे जी देखिए, नहीं एक मिनट तिलक जी, सवाल ये है, मैं तिलक जी सर कांग्रेस के राज्यों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, आपके निवेश के हिसाब से बता रहा हूँ सर, यूपी आ रहा हूँ, मैंने कॉन्टिजेंसी मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, आगरा, बनारस जैसे परंपरागत उद्योग नगर जो है वो कहाँ चले गए? मैंने कांग्रेस की बात की है यहाँ पे। देखिए पांडे जी, मैं आपको देखिए सबसे बड़ा क्या है, एक कंपनी को चलाना अगर आप इंप्लाई हो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप एक पूरे प्रदेश को चला रहे हो या पूरे देश को चला रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे जापान वगैरह, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, आप अपने यार्ड स्टिक पे नापते रहो कांग्रेस या कोई और पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, तो आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते रहो कि जी हम ही थे तो हम ही ने विकास किया। आप एक कंपेरेटिव फिगर लीजिए ना कि आप चाइना से कंपेरिजन करिए, यूएसए से करिए, जापान से करिए, फिर पता चलेगा कि वहां पे आपकी सरकार ने क्या विकास किया। क्वेश्चन ये है कि आप भी दुबे जी देखिए यूपी के बगल से ही आप भी बिलोंग करते हैं, बिहार एकदम बगल में ही है, सवाल ये है, ये प्योर इकोनॉमिक मुद्दा है। अब यहाँ पे ठीक है बीजेपी वाली पार्टी जो है वो जुमलेबाजी कर रही है, आप हवा हवाई मार रहे हैं, आप ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सर इलेक्शन के लिए। हमें ये देखना है कि क्या इस ये जो इनका मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया है आप उसको देखिए, वो वाकई में यूपी की सूरत और सीरत बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा? ठीक है, फाइनल कमेंट पांडे जी, एक पावर पॉइंट जो आपको लगता है कि निवेशक इससे खुश हुए हैं, सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुआ, निवेश भी होगा और सच में होगा, जिसका जिक्र बार बार गांधी साहब कर रहे हैं कि भाई आंकड़ा बहुत कम हो जाता है, कौन सा एक पावर पॉइंट है? गूगल ज्ञान ने देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के प्रति लोगों की जो है लोगों का विश्वास बढ़ा है, और केंद्र की सरकार की मोदी जी के सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, और वो बिल्कुल बिल्कुल वो उनको ये विश्वास है कि हम जो भी यहाँ पर कल कारखाने लगाएंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें 100% हमको सफलता प्राप्त होगी, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आने वाली है। सर एक लॉजिक दीजिए ना, जो है बिजनेस आपको लगता है कि ये सफल होगा सब कुछ, एक लॉजिक दीजिए ना सर, मैं एक लॉजिक पूछ रहा हूँ आपसे प्लीज। देखिए सरकार की नियत बहुत साफ है, चलिए ठीक है, नियत बहुत साफ है, ठीक है, सरकार ठीक है, नियत को ठीक है, अखिलेश सरकार की भी नियत साफ थी सर, साथ आगे लेकर के चलेगी, ठीक है सर। देश का दुर्भाग्य यही है कि सरकारों की नियत हमेशा साफ रहती है और जनता लुट जाती है। ठीक है गांधी साहब, आपको क्यों इतना डर है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसके फेलियर होने का खतरा आपको क्यों लग रहा है? एक लॉजिक। नहीं देखिए डर नहीं है, मैं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक जगह का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत जगह का एक्सपीरियंस बोलता है, पुराना एक्सपीरियंस है, 60% से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिफाई नहीं होते, मतलब ये सिर्फ यहाँ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, 20% से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि यही सारे इन्वेस्टर हर जगह प्रॉमिस करके आते हैं, हर जगह प्रॉमिस करके आते हैं, तो इनकी भी अपनी लिमिटेशन है।
ठीक दुबे जी और कहना चाहूंगा जी सरकार को सहमत हूँ। नहीं सहमत सवाल ये है करना क्या चाहिए था अगर अगर ये सम्मेलन नहीं करना चाहिए था ये अपना व्यापारियों को नहीं करना क्या चाहिए था। आप इन्वेस्टमेंट तो चाहिए इन्वेस्टमेंट आप इन कराने के लिए आप 100 सम्मेलन कर लीजिए। सवाल समिट का विरोध नहीं हो रहा है आप इसको डिबेट्स को दूसरे लेंथ में ले जाना चाहते हैं। नहीं आप बताइए इसका विरोध नहीं करना क्या चाहिए ये बता दीजिए। समिट के नाम पे जो एक तरह से जुमलेबाजी की जा रही है सर को भरमाने की कोशिश की जा रही है हम वहां विरोध कर रहे हैं। सर क्या वो मैं आपसे वही पूछ रहा ना हम भी कामना यही कर रहे हैं कि जो सबमिट इन्होंने किया है ठीक जो वादा किया है ये 4 साल 5 साल में इसको पूरा मिश्रा जी कामयाबी अगर आपको लगती है कि इस प्रोजेक्ट में हो सकती है योगी सरकार के सपने में तो वो 3 लॉजिक कौन से हैं जो हमें बीजेपी नेता नहीं समझा पा रहे। ठीक दुबे जी समझ गया फाइनल कमेंट 20 सेकंड में जल्दी से प्लीज समय खत्म हो गया। अगर आप 3 लॉजिक की बात करेंगे तो किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के लिए जितने कंपोनेंट होते हैं सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि बहुत ही इफेक्टिव वे में आप प्लानिंग करिए। तो इन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी की है मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं यूपी को देखते हुए जो चीजें अवेलेबल है। दूसरी चीज अगर देखा जाए उसका एग्जीक्यूशन आता है एग्जीक्यूशन में भी मैं देखूंगा कि मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों नेताओं का वो जो है बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और तीसरी चीज है फेवरेबल इन्वायरमेंट माहौल हर तरीके से यूपी में रिसोर्सेज है ये 3 ऐसे लॉजिक है जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा। पांडे जी समझ लीजिए सर कानून व्यवस्था के इतर भी बहुत कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी आपका अब्दुल हफीज गांधी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बीएस दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब उम्मीद कल के बाद दुगनी होगी जब ये महासम्मेलन जो किया गया वो खत्म होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी प्लस मोदी प्लस व्यापार इज इक्वल टू क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दे के साथ। नमस्कार जय हिंद जय भारत।